तो कहीं ना कहीं से उल्टे काम करने ही होते हैं। आ जाए आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी इस टाइम पे, मैं अपनी दुकान में। तो घर का जो भी काम है वो मैं निपटा के मैं और संगीता आ गए हैं अपनी दुकान में। और चल रही है साफ़ सफ़ाई, जो कि करते करते हमें हो गए हैं 2-3 दिन। तो अभी भी पूरी साफ़ सफ़ाई नहीं हो पाई है दुकान में, सामान जो भी है कहीं पर अभी एडजस्ट नहीं हो पाया है। तो सुबह किचन गार्डन का काम करने के बाद हम दोनों पहुँच गए हैं नाश्ता पानी खाने के बाद अपनी दुकान में। गीता बैठी है यहाँ पे, तो जो कूड़ा निकला है डस्टबिन को देख रही है, जो आग ले जाएगी है जलाने के लिए। कमर तोड़ दी तो गर्मी में मर दी तो। और ये कांच रख दिया हमने अलग। और संगीता चली गई है कूड़ा जलाने के लिए, और आधे में ही झाड़ू इसे भी ले जा लेना इकट्ठा करके पागल। और इसको यहीं पे छोड़ दिया इसने। गीता जा रही है वहाँ पर कूड़ा जलाने के लिए, नौकरानी बन रखी संगीता। बोला एक काम करने वाली रख देते, तो वो भी नहीं रखनी। इसे अभी आई थी बात करके गई, तो संगीता ने मना कर दिया कि नहीं दीदी रहने दे। और आज ना मेरी ये गले की ये भी टूट गई है, कुछ इस तरह से हो गया है जिसे बनवाने देना पड़ेगा। तो मैंने भी अभी देखा संगीता ने तोड़ा ये परसों, मैंने जुड़ाया। एक साइड का निकल गया ये, मैंने जुड़ाया बे। जो तो भी हमारी इस साइड का है ये सारा सामान हो गया है सेट, मतलब ये लगा दिया गया है कंपनी का सारा लग गया उस साइड, और इस तरह से हो गया पूरा सामान सेट। दुकान में कपड़े की दुकान में अभी फैला है सामान सारा का सारा। ये फुटवेयर लगा दिए जाएंगे फुटवेयर वाली दुकान में, और कुछ वहाँ लग जाएंगे। और उसके अब लगते हैं हम दोनों बहनें अपनी काम पे। तो यहाँ पे गर्मी कुछ इतनी भयंकर हो रही है ना बिल्कुल कि काम भी नहीं हो रहा, कभी जी नहीं हो रहा है काम करने का, पर करना तो पड़ेगा ही। संगीता लग गई अपने काम पे और मैं भी लग जाऊंगी अब अपने काम पे, जो भी होएगा। तो अभी देखते हैं हम, और ये सब जलाने का सामान लेके जा रही संगीता। हम दोनों की जिंदगी काम में ही निकल गई। ये जलाने का 250 रुपए का। और संगीता इसको भी लेके चली गई थी, इतना प्यारा टॉप बच्चों का जलाने के लिए। संगीता ने बाहर में जला दिया सारा कूड़ा जो भी है, और आगे इस साइड से कर रही हूँ, बाहर से झाड़ू मार रही है सारे बाहर से सड़क में। मेरी ड्यूटी जो है वो लगाई गई है इनको समेटने में, तो अब मैं इनको समेट दूँगी, और फुटवेयर को भी मैं ही संभालूंगी। संगीता मारेगी पूरे सड़क में बाहर करेगी साफ़ सफ़ाई, क्योंकि उसे काम वाले भी नहीं रखने हैं, तो खुद ही करना पड़ेगा उसे। और मैं तो अंदर हूँ, पंखा मेरा चल गया है मज़े से, मैं अंदर ही बैठी हूँ। तो यहाँ पे मैं और संगीता लग गए अपने अपने काम पे। मैंने सारे कपड़े जो हैं वो समेट दूँगी, और संगीता जो है बाहर सड़क में मार रही है झाड़ू, और जो शीशे होते हैं उन पे कॉलिन से कर रही है साफ़ सफ़ाई। तो हम दोनों कुछ इस तरह से अपने काम को बांट देते हैं और दोनों मिलके कर लेते हैं। देख हमारे पास बहुत फालतू पैसा है। क्यों? सही बात है। और यहाँ पे कर दिया संगीता ने पूरा साफ। कितने बहुत हैं ये, पर इस पे डेट नहीं है ना, चल जाएंगे। और अभी यहाँ से आ रही थी धूप, तो संगीता ने डाल दिया यहाँ के शटर नीचे। अब लगेंगे ये वाले साले जूते, और संगीता ने ना कुछ जूतों के जो खाली डिब्बे हुए थे वो लगा दिए बाहर में, और हवा आएगी ना ये सब उड़ेंगे फिर, तो यहाँ बाहर में लगा दिया इसने। मतलब दुकान के बाहर लगा रखे सारे जूते, उल्टे काम कर रखे। जब हम घर जाएंगे 2-2.5 बजे सारी सड़क में फैल जाएंगे। कुछ कहना चाहोगे आप अपने कारस्थानियों के विषय में? कबाड़ी कहीं नहीं आ रहा। तो इस तरह से इसने दुकान के बाहर लगा दिया सारे खाली जूतों के डिब्बे। बोला कि बाहर मत लगा, तो अंदर ना दुकान में जगह नहीं होती, तो इसने सारे बाहर कर दिए शिफ्ट। कह रही अब कबाड़ी आएगा, कबाड़ी तो आएगा भी नहीं अभी। तो यहाँ पे संगीता और मैं लग गए, अब जो हमारे फुटवेयर हैं उनको काउंट कर रहे हैं कि हमारा सारा सामान पहुँचा है कि नहीं। और संगीता जो है बाहर चल रही है थोड़ी हवा दोपहर के टाइम पे, तो संगीता भी टेंशन कर रही है कि जो मैंने खाली जूते के डब्बे बाहर लगाए हैं हवा चल रही है सड़क में ना उड़ जाएँ, जो कि उड़ने भी लग गए हैं, और संगीता उन्हें इकट्ठा करने भी जाएगी अभी। यहाँ पर जो संगीता ने लगाए थे जूते बाहर, हवा चली और सारे उड़ गए थे, तो हम लोग मैं ना वीडियो नहीं बना पाई उड़े हुए जूतों का, जो डब्बे उड़े थे सड़क में। तो इस तरह से लगा दिए हमने इन्हें, मतलब पूरे पैरों से ऐसे तोड़ मड़ो के इसके अंदर डाल दिए, और ये और भी ले आए हम। तेरा कबाड़ी आ रहा है, तेरा कबाड़ी। और सारे जूते ये उड़ गए थे सड़क में, इन्हें इकट्ठे करके इस तरह से तोड़ मड़ो के इन थैलों में कर दिया गया है इन्हें पैक, तो इस तरह से इनको पैक कर दिया गया है। तो
दोपहर की 1:30 बजे हम आग में और संगीता 2 बजे आ गए हैं मेरा संगीता घर, और भी हाथ पैर धुल रहे क्योंकि हाथ को छोड़ के इतने गंदे से सोवित कर रहा परेशान। और शाम को हम आ गए थे करीब 5 बजे अपनी शॉप में, और संगीता ले आई है चीज खाने के लिए जो कि हमारा रोज का काम होता है, ये रोज की तरह हमारी खाली समय में चीज़ लेके। और आज बना रहे हैं हम लिफाफे जो कि हम यहीं पे तैयार करते हैं, जो हम लिफाफे लेके आते हैं वो आते हैं कुछ इस साइज़ के छोटे, और ये इतने बड़े साइज़ के हम घर में ही बनाते हैं, मतलब दुकान में ही बनाते हैं बैठ के खाली समय में। क्या है कैसी दे कुकर के रीस का भाई मेरी सेकी, ये क्या कर मैं कुछ करती क्या एक बार मुझे ना 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 तो बता ना कुछ करना कर रही कर रहे ना तो बता मैं और दूंगी तुझे कितना चाहिए। अरे जैसा पूजा पाठ की दुकान पे है, दुकान के पूजा पाठ में सजाने बता ना, ऐसे क्या। तो यहाँ पे संगीता ने जो है हमारे थान के जो कपड़े आते हैं जो मतलब सूट के लिए काटे जाते हैं थान के पीस, तो उनका एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, और संगीता ने ये जो हमारे जूतों के रैक है उनकी साफ़ सफाई करने के लिए वो बिल्कुल नया कपड़ा फाड़ दिया था। तो मैं उसे डांट रही थी कि तूने इतना नया कपड़ा क्यों फाड़ दिया, मैं कुछ इनका यूज कर लेती। तो संगीता भी कह रही दीदी तुझे सिलाई भी तुम तो मतलब मेरे को सिलाई नहीं आती है। तो संगीता फिर मेरे पर कह रही थी दीदी हम क्या करते यहाँ, वो पड़ा ही रहता साफ सफाई के काम आ जाएगा। तो मैं उसे कह रही थी कि तेरी तो बहुत ज़्यादा तड़ी हो गई है, इतना नया कपड़ा क्यों फाड़ दिया। तो हम दोनों बहनें ऐसी कॉमेडी करने लगे हैं। तो फिर ये जो हम काम कर रहे हैं काफ़ी थकान भरा भी है, और रात की 9 बज गई हैं, हम दोनों बहनें लगी हैं अभी और कॉमेडी भी कर रहे हैं। तो कभी कह रही दीदी तो उसका क्या बना देती इस तरह से दोनों, और इसमें ना जो हमारी थकान है वो पता नहीं चल रही है कॉमेडी करते करते। तो बस इसी के साथ करूँगी अपने ब्लॉग को एंड, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।